गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के नादायन हॉल में प्रथम पुरातन छात्र समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के संयोजक ललित कला एवं संगीत विभाग के द्वारा प्रथम पुरातन छात्र समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा, इस विभाग को स्थापित हुए 40 वर्ष हो गया है, तब से पूरे देश के कलाकार जो अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया सिनेमा कला क्षेत्र में स्थापित किए हैं, ऐसे सभी लोग एक साथ एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा, ऐसे छात्र जो पुरातन के छात्र हैं, समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा पुरातन छात्रों व प्राध्यापकों को अंगवस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ठीक है, ये कहाँ छोड़ेंगे, वो आप लोग आगे लेके आ जाइए। अच्छा ठीक, मेरी एक फोटो भी हो जाए। चलो मेरी एक फोटो हो जाए। हाँ लगा दो टीका, और एक कोई किसी को होना चाहिए। एक और को ले लो टीका, ठीक है मैं एक और को ले लूँ, क्योंकि ज्यादा लोग हैं ना, बहुत लोग हैं। हाँ आज का दिन विशेष बनाने के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए मैं हर्ष वास्तव उपस्थित हूँ। कला के रंग संगीत के संग लेकर साथ में ढेर सारी प्रतियोगिताएं, ढेर सारे विमर्श और भी बहुत कुछ। ये आयोजन ललित कला एवं संगीत विभाग में शोध करने वाले छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित है। मैं हार्दिक धन्यवाद और स्नेह संप्रेषित करना चाहूंगी अपने अनुज धरोहर छायाकार संदीप श्रीवास्तव, जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के इस मंच पर मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर दिया। प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष रूप से आज के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले सभी कलाकारों का, अतिथियों का हार्दिक आभार। चित्रकला की प्रदर्शनी लगाने वाले व समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार। उपलब्धियां अपने हिस्से में करने वाले प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे बीच मंच पे। मैं सम्मान आमंत्रित करूंगी पुरातन छात्र श्री राकेश यादव जी। मंच आगमन हो जाए तो फिर ठीक है, यानी जहां से कार्यक्रम का शुभारंभ माल्यार्पण और पुष्पांजलि। सभी जाएं और उन सभी लोगों में वितरित करें जहां सचमुच में तो मां सत्यमया तमसुमा ज्योतिर्मया मृत्यु मां अमृतम गमय। आप सभी इस अवसर को विशेष बनाए अपनी तालियों के साथ वर्तमान गुरुओं का सम्मान करते हुए उन्हें यहाँ उपस्थित रहने के लिए कहूंगी। आज की कड़ी में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी का सम्मान। हम सभी बताए डॉक्टर डॉक्टर प्रदीप सांगी सर और रीना जायसवाल जी।
इंट्रोडक्शन में कहा था कला के विभिन्न क्षेत्र में आपने स्वयं को स्थापित किया है। मैं संदीप कुमार श्रीवास्तव पुरातन छात्र परिषद की ओर से आज ललित कला एवं संगीत विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक प्रथम पुरातन छात्र समागम का आयोजन किया जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक स्वर्णिम पल है। जब से ये विभाग हमारा स्थापित हुआ है 40 वर्षों के इतिहास में आज पहली बार पूरे देश से के कलाकार और यहाँ से जो कलाकार अपने आप को स्थापित किए विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा सिनेमा हो, मीडिया हो, कला का फील्ड हो, वो सारे के सारे आज एक साथ इस मंच में, इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में लगभग 200 की संख्या में सारे के सारे पुरातन छात्र देश के विभिन्न स्थलों से एकत्र हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पे कुछ प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं, सम्मान समारोह है, सांस्कृतिक प्रस्तुति है, कला पर परिचर्चा है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बाहर के जो एस्टेब्लिश्ड कलाकार हैं, उनसे भी परिचर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उनकी शुरुआत कैसे हुई। सम्मान भी किया है कुछ लोगों को सम्मानित जी। यहाँ पर जो है जो सम्मान की जो श्रृंखला में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर उषा सिंह जी, शांतनु मित्रा जी, डॉक्टर संजीव चेतन जी, अशोक महर्षि जी, राकेश यादव जी, डॉक्टर रामनिवास यादव जी, डॉक्टर भारभूषण जी और इस तरह के हमारे जो गुरु हैं डॉक्टर गौरीशंकर चौहान जी, इनसे सारे के सारे गुरुओं का भी सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो प्रतियोगिताएँ हो रही है उसके जो बच्चे हैं जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा।